प्रिय मित्रों, हार्दिक शुभकामना। आप लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस आस्था प्यार स्नेह के साथ आप लोग मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपना विचार दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आप लोग यही स्नेह प्यार देते रहिए। मेरा भी पूरा प्रयास है कि अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको अधिक से अधिक कुंडली का ज्ञान प्राप्त कराऊं। आज रविवार का दिन है, आज सूर्य राहु का दिन है, इसके ऊपर मैं एक प्रोग्राम प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सूर्य राहु ग्रह कुंडली के किन किन भावों में राजा से रंक बनाता है। जिसके कुंडली में लग्न में सूर्य राहु हो, ऐसे लोग राजा से रंक हो जाते हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, पारिवारिक जीवन इनका अच्छा नहीं होता। जिसके कुंडली में दूसरे भाव में सूर्य राहु हो, ऐसे लोग आलसी होते हैं, फालतू खर्च करते हैं, आर्थिक परेशानियों में रहते हैं, माता पिता का दिया हुआ धन भी बर्बाद कर देते हैं। जिसके कुंडली में छठवें भाव में सूर्य राहु, ये शत्रुओं से परेशान रहते हैं, केस मुकदमा से परेशान रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं, कमाई का कोई साधन नहीं। जिसके कुंडली में सातवें भाव में सूर्य राहु हो, इनके शादी विवाह में रुकावट आता है। किसी तरीके से शादी होती है तो पारिवारिक जीवन का सुखदायी नहीं होता है, तलाक तक की समस्या आती है और हमेशा तनाव में रहते हैं। जिसके कुंडली में नौवें भाव में सूर्य राहु हो, ऐसे लोग कर्जदार हो जाते हैं, नौकरी में सस्पेंड हो जाते हैं, ऐसे लोग जीवन में इच्छा अनुसार कभी उन्नति नहीं कर पाते। जिसके कुंडली में दसवें भाव में सूर्य राहु हो, ऐसे लोग चंचल दिमाग के होते हैं, शंकित दिमाग के होते हैं, किसी पर विश्वास नहीं करते हैं, ऐसे लोग पदोन्नति में रुकावट आती है, रोजगार नहीं मिल पाता है, व्यापार में घाटा खाते हैं, हमेशा आर्थिक परेशानी हो जाती है। जिसके कुंडली में बारहवें भाव में सूर्य राहु हो, इनके चौथेपन अच्छे नहीं जाते हैं, इनके संतान योग्य नहीं होते हैं, ऐसे लोग जीवन में असफल रहते हैं, सोचे हुए अधिकांश कार्य अधूरे रह जाते हैं और हमेशा इनका जीवन तनाव मुक्त होता है। ये छोटा सा प्रोग्राम आपके सामने हमने प्रस्तुत किया, इसको सुनिए। इसे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मेरे प्रत्येक प्रोग्राम में मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। कोई मित्रगण अपने कुंडली का मेरे द्वारा विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरे फोन पर संपर्क करिए। उसके लिए आपको थोड़ा सा शुल्क देना होगा, शुल्क देंगे तो मैं विवेचन कर दूँगा। मेरा फ़ोन नंबर 9425308111। इतना कहते हुए प्रोग्राम को समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।